तेलंगाना के मेडक जिला में बेहद ही दर्दनाक हादसा प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 5 लोग सिंदूर डैम घूमने आए थे और जहां उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये 5ों लोग हैदराबाद के कुलसुमपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार डूब कर मरने वालों में से एक 16 साल की बच्ची भी शामिल है, जिसका नाम हुडा बताया जा रहा है, और अन्य लोगों का नाम इम्तियाज, अनस और रहमान बताया जा रहा है। ये लोग साउथ जोन के तालाब कट्टा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये 5ों परिवार के लोग सिंदूर डैम आज घूमने के लिए गए हुए थे, जहां पर पानी में डूबने से इनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 5ों का शव पानी से बाहर निकाला और शवों को अपने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पुलिस के मुताबिक इन 5ों की मृत्यु सैर के दौरान नदी में डूबने से हुई है और पोस्टमार्टम के बाद इन 5ों लोगों के शव को हैदराबाद ले जाया जाएगा और उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। बताते चले कि इस मामले पर कारवां से विधायक कौशल मुनुद्दीन और एक्स कॉरपोरेटर समद वारसी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की है और पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द मृतकों के शव को उनके परिवार को सौंपा जाए। हैदराबाद से मोहम्मद हामिद की रिपोर्ट।